बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को बीते दिनों काफ़ी धमकियां मिल रही है। यहां तक कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उनके गैलेक्सी के आसपास शार्प शूटर तक छोड़े हुए हैं। ये खबर आने के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हो गया है और सलमान खान भी अपनी प्रोडक्शन के साथ काफ़ी खुश हैं। हालांकि सलमान खान अपने इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उन्हें इन प्रकार की धमकियों से बिल्कुल डर नहीं लगता, उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं बिल्कुल साथ है और सलमान खान पहले भी ऐसी धमकियों से गुजर चुके हैं। अब सलमान खान के सपोर्ट में बॉलीवुड के सबसे अच्छे दोस्त सलमान खान की गिनती में जो आते हैं संजय दत्त का रिएक्शन भी आ चुका है सामने। इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ऐसे धमकियां मिल रही हो, ये तो फिर भी एक छोटा मोटा गुंडा है। अंडरवर्ल्ड से भी बॉलीवुड को कई बार धमकी आई है। संजय दत्त ने एक्सेप्ट किया कि बड़ी बड़ी धमकियों से वो खुद भी गुजर चुके हैं और साथ साथ सलमान खान के बारे में उन्होंने कहा कि सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सलमान खान के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ और मैं उसकी किसी भी प्रकार की मदद करने को हमेशा तैयार हूँ। लॉरेंस बिश्नोई की बात पे संजय दत्त ने कहा कि मैं ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ तो ये संजय दत्त का क्या बिगाड़ सकता है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला कांड के बारे में संजय दत्त ने बात करते हुए कहा कि ये वाकई में काफ़ी गलत है और ऐसे गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ के सजा दे देनी चाहिए। ये समाज के दुश्मन हैं और ये समाज में डर पैदा करते हैं जो कि सरासर गलत है। गौरतलब है बीते दिन दोस्तों मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई जहां पे ये साफ तौर पे स्वीकार किया गया कि सलमान खान को एक खत जो भेजा था वो खुद लॉरेंस बिश्नोई के शागिर्द नहीं भेजा था, जो कि राजस्थान से मुंबई तक का सफ़र तय करके गए थे और ये तक भी सामने बात आई थी कि सलमान खान के साथ उनके बॉडीगार्ड शेरा और उनके पिता सलीम खान भी रडार पे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि संजय दत्त का सपोर्ट भी अब सलमान को मिलने से क्या लॉरेंस बिश्नोई में डर का माहौल पैदा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ साथ सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।